मोहल्ला 80 कुछ साल पहले भी आपने इस फिल्म का नाम सुना होगा, काफी चर्चा में थी। उस वक्त जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, काफी हंगामा खड़ा हो गया था। आपको बता दें, उस वक्त इस फिल्म के खिलाफ आपको कई सारे PIL कोर्ट में आपको दायर किए गए थे। उसके बाद इसके मेकर्स कोर्ट पहुंचे थे और वहां इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और अब ये फिल्म रिलीज होने वाली है। और जो सर्टिफिकेट मिला है इस फिल्म को, एक ऑफ सर्टिफिकेट मिला है, अडल्ट का सर्टिफिकेट मिला है, और एक सीन को कट भी किया गया है। आपको बता दें, ये जो फिल्म है वो सनी देओल की फिल्म है, लीड एक्टर सनी देओल है, और इसके टाइटल से ही आप समझ सकते हैं ये फिल्म बनारस और उसके घाट के किनारे की जो लाइफ है उससे कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करती है। आपको बता दें, मोहल्ला 80 जो 80 घाट का इलाका है, जो बनारस का बहुत ही फेमस इलाका है जहां पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं, उस पर फोकस होकर यह फिल्म बनी है। और अगर आप इस फिल्म को देखेंगे, जो सवाल उठाए थे जो बहुत सारे संगठन ने और लोगों, जो आपत्ति थी इसलिए थी कि इस फिल्म में जो गालियों का प्रयोग किया गया वो भरपूर प्रयोग किया गया है, और इसमें जो कुछ डायलॉग्स हैं वो आपत्ति उस वक्त लोगों ने दर्ज कराई थी। लेकिन सिनेमा में कहते हैं कि एक फ्रीडम होता है, एक आजादी होती है मेकर्स की, उसे देखकर इस फिल्म को रिलीज करने के लिए देना चाहिए। वैसे आपको बता दें, ये जो फिल्म है काशीनाथ सिंह जो बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी जो नॉवेल है काशी का 80, उस पर बेस्ड होकर बनी है। और ये फिल्म की कहानी बहुत सारे बनारस के लेयर को उकेरती है, उसके कल्चर को उकेरती है। आपको बता दें, जो कल्चर है 80 घाट का, जो लोग रहते हैं, जो पंडित जो है वो तो घाट किनारे बैठते हैं, आपको मुक्ति कराते हैं, और लेकिन जो घर में जो किराएदार होते हैं वो अंग्रेज आ जो टूरिस्ट होते हैं वो वहाँ पे घरों में किराएदार होते हैं, और वो वहाँ पे बहुत तरह के मादक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, और वो उनकी जो लाइफ है काफ़ी अलग है, और उस पर ये सवाल खड़ी करती है फिल्म। और आपको जो राम जो मंदिर है उस टॉपिक को भी कहीं ना कहीं टच करती है। अगर आप इसके ट्रेलर को देखेंगे तो आप काफ़ी इंटरेस्ट आपका जाग जाएगा इस फिल्म को देखने के लिए। वैसे आपको बता दें, इस फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में, तो आपको सनी देओल तो है ही, साथ में साक्षी तंवर जो उनकी फिल्म की वाइफ का रोल किया है फिल्म में, और आपको रवि किशन और सौरभ शुक्ला जैसे मंझे हुए कलाकार भी हैं। वैसे आपको बता दी, ये फिल्म जब इस फिल्म का बहुत ही हंगामा रहा था तो ये मूवी ऑनलाइन लीक भी हो गई थी, कुछ लोगों ने इसे जरूर देख भी लिया होगा। तो मूवी काफी अच्छी है और काफी शानदार है, और इसके जो डायरेक्टर हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी, वो भी काफी मंझे हुए डायरेक्टर। अगर आपने 90s के दौर में चाणक्य और मृत्युंजय से सीरियल देखी है तो आप समझ सकते हैं इनका कितना बड़ा टैलेंट है। वो सीरियल इन्होंने बनाया था, और 2003 में आपने अगर पिंजर मूवी देखी है जो बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बनी थी, वो भी फिल्म इन्होंने बनाई है। तो हमें देखना होगा 16 नवंबर को अब ये मूवी फाइनली रिलीज होने वाली है, तो कितने स्क्रीन से मिलते हैं और लोगों का कितना अट्रैक्शन ये खींच पाती है, क्योंकि मूवी की टॉपिक काफी डिफरेंट, और सनी देओल को आप एक डिफरेंट रोल में आप देखेंगे। आज तक आपने उन्हें एक्शन में देखा है, थोड़ी बहुत कॉमेडी में देखा है, लेकिन ऐसा रोल शायद ही उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी किया है। तो आप भी इस मूवी के ट्रेलर को देखें YouTube पर, और हमें बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। लगातार इस तरह के वीडियो देने वाला ऊपर वाला जजमान क्या देगा भोसड़ी के और भोसड़ी के जिसे तुम गाली समझते हो वो 80 की राष्ट्रभाषा है। शहर बनारस अब हर हर महादेव की जगह जय श्री राम से गूंज रहा है। शहर बनारस ही क्यों, पूरा देश जय श्री राम की पुकार से गूंज रहा है। गांव गांव गली गली से ईंटा भेजकर अयोध्या में मंदिर बनवाओगे। मंदिर श्रद्धा से बनता है गया सिंह जी। अरे क्यों जाना है अयोध्या, घर बैठिए राम का नाम लीजिए, बनाए जिसे मंदिर बनाना है। ये हमारे लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है, और उससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। हम घाट को पिकनिक स्पॉट और गंगा को स्विमिंग पूल नहीं होने देंगे। मंदिर मस्जिद की लड़ाई राम को फिर से वनवास देगी। भोसड़ी के धर्म भ्रष्ट करो तुम और चुप रहे हम। अपने ही मंदिर, अपने ही मस्जिद, अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। जीने जीने चदरिया।